हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, अब मेरे जो सेल्फ ग्राफ्टेड रोज़ प्लांट हैं उन पर पहली बार फ्लावरिंग आई है और उसी का अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाइब्रिड रोजेस पर जो फ्लावरिंग आती है वह लंबे समय तक पौधों पर लगी रहती है, देखने में बहुत ही आकर्षक फ्लावर इन पे आते हैं। तो देखिए, ये मेरे सेल्फ ग्राफ्टेड यानी इनकी ग्राफ्टिंग मैंने घर पर ही की है और अब सभी पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। ये पहला मौका है जब मैंने इनको ग्राफ्ट किया था और अब इन पर पहली बार फ्लावरिंग हो रही है। तो आज उसी का अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप भी यदि चाहें तो आसानी से इस तरह के पौधे घर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहां पे ग्राफ्ट किया गया है, इस पे वी ग्राफ्टिंग की गई है। नीचे जो रूट स्टॉक है वह देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट का है और ऊपर इन पर हाइब्रिड की कलम की गई थी और अब इन पौधों ने पहली बार फ्लावरिंग की है, तो उसी का छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पीले कलर की जो हाइब्रिड रोज़ है उसकी ग्राफ्टिंग इस पर की गई है और धीरे धीरे अब ये पौधे घने होते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हमें इन प्लांट्स से मिलेगी। ये प्लांट जो दूसरा आप देख रहे हैं, इस पर ऑरेंज कलर के हाइब्रिड रोज़ की ग्राफ्टिंग की गई थी, इस पर भी वी ग्राफ्टिंग की गई है और इन सभी कोई ग्राफ्टिंग का तरीका मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है। यदि आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं और इस तरह के हाइब्रिड रोजेस आप स्वयं अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस पे लाल कलर का हाइब्रिड रोज़ ग्राफ्ट है और ये बड्स जो है ये खिलने ही वाली है, इस पे भी वी ग्राफ्टिंग की गई है, ये देखिए। और इन सभी पे देसी वैरायटी के रूट स्टॉक का उपयोग किया गया है। पहले देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट पर मैंने हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग की और उसके पश्चात एयर लेयरिंग के माध्यम से इन प्लांट को अलग किया। और तो ये देखिए, कुछ और भी पौधे हैं, इन पे अब धीरे धीरे न्यू शूट्स डेवलप हो रहे हैं और पौधे धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। इन सभी पे भी वी ग्राफ्टिंग की गई है, अभी इन पे बड्स नहीं बनी हैं और ना ही फ्लावरिंग हुई है, मगर पौधे हमारे अच्छी स्थिति में हैं। धीरे धीरे ये पौधे भी अब डेवलप होंगे। तो यदि इस तरह के प्लांट आप भी डेवलप करना चाहते हैं तो वीडियोस में दी गई जानकारी को फॉलो करके और इस तरह के पौधे आप भी अपने घर पर मल्टीप्लाई एक प्लांट से अनेकों प्लांट बना सकते हैं। फिलहाल हाइब्रिड की मेरे पास चार वैरायटी हैं, उन्हीं को मैंने मल्टीप्लाई किया है। देखिए इस तरह, यह तरीका, ये देखिए, ये जो ऊपर ब्रांच लगी हुई है ये हाइब्रिड की है और नीचे जो रूट स्टॉक वाला हिस्सा देख रहे हैं वह देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट पे इसे वी ग्राफ्ट किया गया है। आगे चल के जब भी समय लगेगा मैं इस पर एयर लेयरिंग कर दूंगा और फिर यह एक सेपरेट पौधा हमारे गार्डन में हाइब्रिड रोज़ का बनके तैयार होगा। इन प्लांट्स पर डाईबैक जैसी समस्या नहीं आती ऐसा मैंने अनुभव किया है, क्योंकि यह बिल्कुल नेटिव वैरायटी यानी जो देसी वैरायटी हमारे यहाँ अच्छे से सर्वाइव करने वाली जो पौधे होते हैं उन पर मैंने इन्हें ग्राफ्ट किया है। तो आगे भी इनका अपडेट मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ सेल्फ ग्राफ्टेड हाइब्रिड रोज़ प्लांट का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।